नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। अभी शाला दर्शन पोर्टल पर जो प्रपत्र 10 अपन को अपडेट करके देना है उसमें सारी जानकारी है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, अपना व्यक्तिगत विवरण वगैरह। तो उसमें मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट भी आए हुए हैं, जिनमें कुछ सर का कहना है कि कोई भी एक भरा हुआ प्रपत्र अपलोड करें, और बहुत सारी डिमांड करी हुई है। इसमें मोबाइल पर भी मैसेज प्राप्त हैं। तो भरा हुआ प्रपत्र मतलब जो अपन को जो अपना व्यक्तिगत विवरण है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, इसमें थोड़ी सावधानी अपन को रखनी है, जिसमें प्रपत्र 10 जो है उसमें करीब 10 प्रकार की जानकारी है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण है, इसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता और यहाँ पर सेवा विवरण है। तो यहाँ तक तो आप अपने आसानी से अपने आदेश क्रमांक और जो भी आप अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपने मतलब ग्रेजुएशन लिया है, उसकी रिजल्ट डेट वगैरह और जो भी यूनिवर्सिटी अपडेट करके आप रख लेंगे। और प्रशिक्षण योग्यता जैसे एसटीसी बीएड, जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह डिग्री वगैरह करी है उसकी डिटेल देनी है। और सेवा विवरण जहाँ से आप कर्मचारी की, ये मैंने पहले वीडियो भी मैंने जारी की है, इसमें 2 वीडियो जारी किए जिसमें बताया कि ये मतलब आपको वर्तमान स्थिति से लेकर चलना है। यहाँ पर वर्तमान स्थिति पहले दर्शनी है, उसके बाद में आप उल्टा इसमें चलना है, जब भी आपकी डेट शो होगी इसमें ये जो सेवा विवरण है आपका, और पदोन्नति जो आपकी हुई है, प्रमोशन हुआ है तो उसको लेना है आपको। और इसके बाद में यहाँ पर जो एसीपी से है, कुछ इमेज और कुछ शॉर्ट में आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, जिसमें जिसे यहाँ पर छठा जो पॉइंट है वो एसीपी का है। तो एसीपी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और अगर आपको एसीपी मिली है तो आप हाँ करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में इसको नेक्स्ट करेंगे। 7 है, 6D विवरण, 6D के अंतर्गत अगर आपका चयन हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, तो आपको अब वो आदेश क्रमांक और दिनांक मांगेगा यहाँ पर, और अपडेट पूरी तरह से करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट बटन का यूज़ करेंगे। अब ये छठा जो पॉइंट था यहाँ पर एसीपी का था, अगर आपने यहाँ पर एसीपी में चयन यस किया होगा तो आपको यहाँ पर ये वेतन आयोग कौन सा है, जैसे 6 पे ही लगेगा, यहाँ पर अभी 7 पे का कोई हुआ नहीं, अपने फिक्सेशन अभी हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आपका पे बैंड यानी कि कौन सी पे बैंड था जो भी है वो यहाँ चयन करेंगे। आपका मूल वेतन और ग्रेड पे, यहाँ पर प्रबोधक कर्मचारी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपको आदेश हो गया और एसीपी का आदेश अगर आपको मिल गया हो तो यहाँ पर 4200 की ग्रेड पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने 3600 करने के बाद में यहाँ पर 14680 बेसिक करके कर दिया तो ये लॉक हो जाएगा, जिसमें आपको बाद में इसमें समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर जो आपको एसीपी अक्टूबर में मिली है, प्रबोधक कर्मचारी, उनके लिए विशेष है कि यहाँ पर 4200 की ग्रेड पे अगर आपको आदेश मिल गया हो तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। और आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक जो है वो 1/7/2018 रहेगी, और आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में है आपकी बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड, यहाँ शो करते ही तुरंत यहाँ पर एमआईसीआर कोड, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, ये सारी चीज़ ऐटो है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप आईएफएससी कोड सही लिखेंगे, जो आपकी सैलरी बैंक अकाउंट है, ज़्यादातर अभी अभी भी मैसेज मेरे मोबाइल पर भी आया था कि सर इसमें कौन सा बैंक का अकाउंट अपन को शो करना है, तो इसमें आपकी जो सैलरी आ रही है, जिस बैंक से आपकी मंथली सैलरी आ रही है, वही बैंक अकाउंट, उसी का आईएफएससी कोड यहाँ पर और उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर शो करना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर आपने जितने भी प्रशिक्षण जो अटेंड किए हैं आपने, उन प्रशिक्षणों का ब्यौरा यहाँ पर देना है, तारीख वाइज यहाँ पर कौन सी तारीख को शुरू हुआ, कौन सी तारीख को एंड हुआ, और यहाँ पर प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी और किस संबंधित था और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, डाइट या एसएसए, और यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग और फाइनल सबमिट। इसके बाद में लास्ट जो यहाँ पर आप सेव करेंगे पहले, उसके बाद में ये होगा, यहाँ पर सेव बटन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पर सेव करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिशन करना है। और यहाँ पर आप फाइनल सबमिट करेंगे,
जैसे ही, तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 अपलोडिंग सक्सेसफुली का जो मैसेज प्राप्त होगा कि आपने जो भी एंट्रीज भरी है प्रपत्र 10 में वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और जो लास्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर है लॉक बटन, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे लास्ट में लॉक, यानी कि इस निर्देश में भी बताया गया है कि लॉक बटन पर क्लिक कर मोबाइल पर जो प्राप्त ओटीपी से वेरीफाई कर फाइनल लॉक कर दिया जाता है। मतलब इसको फाइनल सबमिशन करने के बाद में इसको लॉक भी करना है, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भेजे गए 6 डिजिट के ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें, और अगर आपको इस दरमियान ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर एक फैसिलिटीज दी हुई है कि रीसेंड ओटीपी, यानी कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में, इनविच आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा, या आप नेटवर्क में मोबाइल नहीं है, या आपके मैसेज इनबॉक्स फुल है, या किसी अदर कारण, कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से आपको ओटीपी प्राप्त नहीं होता है, तो आप यहाँ पर रीसेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी ले सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर सबमिट करने के बाद में ही ये फाइनल होगा, यानी कि फाइनल लॉक यहाँ पर दिया हुआ है फाइनल लॉक। और अगर आप क्लियर नहीं है, ओटीपी नहीं मिला है और आपने सबमिट नहीं किया, तो वापस जाएं, इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। फाइनल लॉक यहीं से होगा ओटीपी सबमिट करने के बाद में। ओके मित्रों, तो ये सारी प्रोसेस थी, इसे अपडेट करने के बाद में आप इसे पूरी तरह से लॉक करेंगे। इसे 2 वीडियो जारी हुए हैं मेरे द्वारा, और ये तीसरा जो है यहाँ पर मेरा जो पूर्व में वीडियो जारी हुए हैं, वो दोनों वीडियो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे, जिसकी मदद से भी आप आसानी से इसको अपडेट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्रपत्र 10 फॉर्म डाउनलोड लिंक जो डाला गया है, और निर्देश भी डाले गए हैं इसके, तो उसका यूज़ भी आप आसानी से कर सकते हैं। ओके मित्रों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। थैंक्स।